अब अपने शुरू करते हैं बीएससी सेकंड ईयर पेपर थर्ड बोटनी यूनिट फर्स्ट का पार्ट टू। अपने बात कर रहे थे कोशिका सिद्धांत की, और मैंने आपको बताया था कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किया गया, एम आई स्लीडेन ठीक, और दूसरा था टी स्वान। यह बोटनिस्ट था और यह जूलॉजिस्ट। देखिए, इन दोनों ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया, ठीक। इन्होंने पादप कोशिकाओं पर कार्य किया, इन्होंने जंतु कोशिकाओं पर, और स्वतंत्र रूप से इन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब जो बातें इन्होंने बताई थी अपने कोशिका सिद्धांत में, वही बातें इन्होंने बताई। इन्होंने किया था 1838 में अध्ययन या रिसर्च, और इन्होंने 1839 में, ठीक। दोनों एक दूसरे के सहयोगी नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे, ये अपना अलग कर रहे थे, दोनों एक दूसरे से अलग स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे। ये बोटनिस्ट है, जूलॉजिस्ट है। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, कुछ बातें बताई। इन्होंने वही बातें बताई जो इन्होंने बताई थी, इसलिए अपने कहते हैं कि कोशिका सिद्धांत इन दो वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया था अलग अलग, लेकिन इनके द्वारा बताई गई बातें सेम है, तो अपने साथ में कर देते हैं कि सेल थ्योरी, ठीक, प्रपोज्ड बाय स्लीडेन एंड स्वान, ठीक। ये 1838 ये 1839 दोनों ही जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मनी के थे। इन्होंने जो कुछ का सिद्धांत दिया था उसके महत्वपूर्ण बिंदु दो है भी। पहला बिंदु, प्रत्येक जीव एक अथवा अनेक कोशिकाओं का बना होता है। हो गया। दूसरा, कोशिकाएं जैविक क्रियाओं या उपापचयी क्रियाओं की इकाई होती है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई भी है। अपने ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कोशिका है वो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। तो प्रत्येक जीव एक अथवा अनेक कोशिकाओं का बना होगा, और जो सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बॉडी की, ठीक। इस तरह दो बातें होगी। आगे आधुनिक कोशिका सिद्धांत। देखिए, स्लीडेन और स्वान का जो कोशिका सिद्धांत था वह यह बताने में असमर्थ था कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है। स्लीडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, लेकिन वह सिद्धांत इस बात को बताने में असमर्थ था कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक, रुडोल्फ विर्चो
रुडोल्फ विरचोव ने यह स्पष्ट किया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पुरानी कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक, कुछ वैज्ञानिकों द्वारा पुराने कोशिका सिद्धांत में संशोधन किया गया व आधुनिक कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जिसके मुख्य बिंदु निम्न है। तो जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है उसके मुख्य बिंदु लिख रहा हूं मैं। पहले बिंदु तो वही है, पहले दो बिंदु तो वही है, कौन से, कि कोई भी जीव है वो किसका बना होता है, या तो एक ही कोशिका का बना होगा या बहुत सारी कोशिकाओं का बना होगा। और जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जो कोशिका है वो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और नंबर तीन यह बात हो गई एड कि पुरानी कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। पुरानी कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक, तो ये हो गया। यह बात किसने बताई थी? रुडोल्फ विरचोव ने। तो ये इतना ही अभी आधुनिक कोशिका सिद्धांत। अगला है कोशिका सिद्धांत के अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत के अपवाद। देखिए, सबसे पहले अपने को यह समझना होगा कि अपनी कोशिका मानते किसे है, अपनी कोशिका किसे मानेंगे। ठीक, अपने मानेंगे कोशिका जो चारों ओर से किसे घिरी हुई हो, कोशिका झिल्ली से घिरी हुई हो, जिसमें खुद का क्या हो, उपापचय हो, यानी उसके अंदर एंजाइम्स मिलने चाहिए, एंजाइम्स मिले। ठीक, तीसरी बात कोशिकांग मिले, कोशिकांग मिले। अगर ये चीजें हैं तो वो कोशिका है। ठीक, कोशिका झिल्ली मिले, उसके खुद का उपापचय हो यानी उसमें एंजाइम्स मिले, और कोशिकांग मिले जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हरितलक वगैरह। तो यह है शुरू में माना गया था कि ये तीन मूलभूत लक्षण है कोशिका के। अगर ये मूलभूत लक्षण नहीं है तो उसे अपनी कोशिका नहीं मानेंगे। ठीक, यानी उसको कोशिका सिद्धांत से बाहर कर देंगे। तो अब देखिए, इस आधार पर बैक्टीरिया, बीजीय, ब्लू ग्रीनेल की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और वायरस, ये चार अपवाद माने गए। बैक्टीरिया, बीजीय, ब्लू ग्रीनेल की, माइकोप्लाज्मा और वायरस कोशिका सिद्धांत के चार अपवाद माने गए। लेकिन बाद में हमारी समझ में, या अपने कहें कि जो कोशिका सिद्धांत है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। अब कोशिका किसे माना जाता है? कोशिका झिल्ली होनी चाहिए और खुद का उपापचय होना चाहिए। कोशिका झिल्ली हो और खुद का उपापचय एंजाइम्स हो, ठीक, तो उसको अपने कोशिका मान लेंगे। तो यहां पर फिर दो तरह की कोशिकाएं हो गई,
प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल है ना उनमें ये तीनों मिलते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें ये दो मिलेंगे। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें कोशिका झिल्ली भी होगी, खुद का उपापचय भी होगा, ठीक। तो अब क्या हुआ, ये तीनों ही क्या है, प्रोकैरियोटिक है। तो शुरू में इनको कोशिका सिद्धांत के अपवाद माना गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कोशिकाएं दो प्रकार की बना दी गई या दो प्रकार की मान ली गई, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में तो तीनों मिलेंगे, कोशिका झिल्ली भी मिलेगी, खुद का उपापचय होगा और कोशिकांग मिलेंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली मिलेगी और खुद का उपापचय होगा, ठीक। तो ये तीनों किसमें शामिल हो गए, प्रोकैरियोटिक सेल। यानी अब अपने इनको कोशिका तो मानते हैं, लेकिन कैसी कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। बैक्टीरिया, वीजी और माइकोप्लाज्मा इनको कोशिका माना जाता है, इनको कोशिका सिद्धांत में सम्मिलित किया गया है अब, लेकिन कैसी, प्रोकैरियोटिक कोशिका। बचा कौन है, वायरस। वर्तमान में एक ही है कोशिका सिद्धांत का अपवाद, कौन है, वायरस, याद रखना। आगे देखिए, कोशिका आकार एवं आकृति। सेल साइज एंड शेप, कोशिका आकार एवं आकृति। देखिए, कोशिका सामान्यतः 0.5 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर व्यास की होती है, 0.5 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर व्यास की होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, ठीक। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन है, माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर होता है, 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर, यानी बैक्टीरिया से भी छोटे। जो बैक्टीरियल सेल है उसका सामान्य आकार 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर होता है, जो बैक्टीरियल सेल है उसका सामान्य आकार 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में शुतुरमुर्ग के अंडे का व्यास अधिकतम होता है, यानी जो शुतुरमुर्ग का अंडा है ना, वो लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सबसे बड़ा होता है, कुछ सेंटीमीटर में होता है, ठीक है, इसका साइज। और आपको पता है कि जंतुओं की बात करें तो जो नर्व सेल्स होती है, नर्व सेल्स वो लॉन्गेस्ट होती है, सबसे लंबी 3 फीट तक या इससे भी ज्यादा हो सकती है, सबसे लंबी होती है नर्व सेल्स, ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं 3 फीट या इससे भी ज्यादा। और देखिए, जो पादप रेशे हैं ये भी एक प्रकार की डेड सेल है, जो पादप रेशे हैं वो भी क्या है, एक प्रकार की डेड सेल्स है, और इनकी लंबाई 55 सेंटीमीटर तक हो सकती है। पादप रेशे यानी जो कि मृत कोशिकाएं एक प्रकार की, उनकी लंबाई 55 सेंटीमीटर तक हो सकती है। देखिए, कोशिकाएं प्राय गोलाकार होती है, कोशिकाएं प्राय क्या होती है, गोलाकार, ठीक। परंतु कहने के अनुसार कोशिकाओं क्या करती, परिवर्तित तो हो जाती है, ठीक। जैसे कि अपने देखते हैं कुछ डायग्राम, जैसे कि आरबीसी कोशिकाएं हैं,
जो आरबीसी है, आरबीसी कोशिकाएं, ये गोलाकार या द्विअवतली हो सकती है, ये गोलाकार होगी और ये द्विअवतली, गोलाकार या द्विअवतली, ठीक है। जो डब्ल्यूबीसी है वो अमीबॉइड होती है, अमीबी है अमीबॉइड, यानी उनकी शेप फिक्स नहीं होती। जो एपिथेलियल सेल्स है वो स्तंभाकार होती है, एपिथेलियल सेल आपने पढ़ी होगी, जो एपिथेलियल सेल्स है उपकला कोशिकाएं वो होती है स्तंभाकार, कॉलम शेप्ड, ठीक। और वाहिनिका यानी ट्रेकिड्स, ट्रेकिड्स आपने पढ़ी होगी, वाहिनिका जाइलम का घटक है, ट्रेकिड्स वाहिनिका, यह इस शेप में होती है। और जो मेसोफिल सेल्स है पर्ण मध्योतक कोशिकाएं, ये गोलाकार भी हो सकती है और अंडाकार भी हो सकती है, गोलाकार या अंडाकार, मेसोफिल सेल्स गोलाकार या अंडाकार हो सकती है। और तंत्रिका कोशिका कैसी होती है आपको पता ही है। तो ये शेप है भी कोशिकाओं की, अलग अलग कोशिकाओं जो होती है, अलग अलग कोशिकाएं उनकी शेप भी क्या होती है, अलग अलग। अब देखिए अपने आगे देखते हैं अगला टॉपिक, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, कोशिका का समग्र अवलोकन। देखिए जो पादप कोशिका होती है चारों ओर से एक निर्जीव आवरण से घिरी रहती है, जिसको अपने कहते हैं सेल वॉल, और यह कैसा आवरण है, निर्जीव आवरण है। पादप कोशिका चारों ओर से एक निर्जीव नॉन लिविंग आवरण से घिरी रहती है, जिसको कहते हैं अपने सेल वॉल। और आपको बताइए एनिमल में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल का अभाव होता है, ठीक। आगे देखिए जो जंतु कोशिका है ना उसमें सबसे भारी सीमा कौन बनाएगी, कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका में सबसे भारी सीमा सेल वॉल, जंतु कोशिका में चूंकि कोशिका भित्ति नहीं होती तो जंतु कोशिका की जो सबसे भारी जो स्ट्रक्चर है या सबसे बाहरी जो आवरण है, बाहरी ठीक आउटर, वो होगा सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और आपको पता ही है कि जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें एक केंद्रक भी मिलता है, स्पष्ट केंद्रक मिलता है, ठीक। और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में क्या मिलता है, कोशिका द्रव्य मिलता है, ठीक। अब यहां पर एक बात और दो टर्म आती है वो देख लीजिए, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है।
यानी प्रोटोप्लाज्म का मतलब हो गया कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों मिलकर क्या बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब ठीक है, साइटोप्लाज्म का मतलब ये हो गया कि ये पूरा तो क्या हो गया प्रोटोप्लाज्म और इसमें से अपने ये जो केंद्रक है या जो न्यूक्लियोप्लाज्म इसको हटा दिया। अब जो बचा है ना वो क्या है साइटोप्लाज्म यानी केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के जो बीच का भाग है वो क्या है साइटोप्लाज्म है। तो अपने कल देखेंगे यूकेरियोटिक कोशिका की डिटेल और आपको पता ही है कि जो उपापचयी कोशिकाएं उपापचयी क्रियाएं हैं वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है और कोशिका द्रव्य एक अर्धतरल होता है। बाकी देखते हैं कल।